नमस्कार, मैं प्रिया धड़धड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का चिप की वजह से प्रोडक्शन अगस्त में 8% तक घटकर 1,13,937 यूनिट रहा। कंपनी के मुताबिक सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से पिछले महीने के दौरान उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। वहीं पिछले साल मारुति ने अगस्त में 1,23,769 वाहन बनाए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन पर शोक की लहर, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद सिंह के निधन से हम सब दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कोई किसी भी दल का हो, लेकिन सबके मन में उनके जाने को लेकर दुख जरूर है। सलमान खान ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया के गुजर जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। इतना ही नहीं, अक्षय की मां के निधन पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने ट्वीट कर कहा कि अक्षय की मां को श्रद्धांजलि। सदानंद के निधन पर बिहार के तमाम नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के निधन के घंटों बाद भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से आज मुलाकात की है। साथ ही डोभाल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स से भी दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच तालिबान को लेकर लंबी बातचीत हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना में उनकी मुलाकात भाजपा के नेताओं के साथ हो सकती है। इस दौरान पार्टी के संगठन में फेरबदल और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हो सकती है। पटना से संघ प्रमुख झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बच्चे कल के नहीं आज के भविष्य हैं। पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन्हें शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है, ताकि उम्र बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता अपनाई जा सके। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को देश में कोरोना के 37,875 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 31,222 केस इससे पहले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 369 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच 39,114 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही है। खाद्य तेल, दूध, ब्रेड के महंगे होने के बाद अब साबुन डिटर्जेंट महंगे हो गए हैं। देश की बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रोजमर्रा में काम आने वाली कई सामानों की कीमतें बढ़ा दी है। आज आशा भोसले अपना जन्मदिन मना रही है। आशा भोसले, जिन्हें प्यार से आशा ताई भी बोला जाता है, हिंदी फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका और दीनानाथ जी और शेवंती मंगेशकर की पुत्री, लता मंगेशकर की छोटी बहन और हृदयनाथ मीना और उषा मंगेशकर की बड़ी बहन है। इन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी सुरीली जादुई आवाज की विश्वव्यापी ख्याति ने करोड़ों प्रशंसक भी बनाए हैं। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, मणिपुर में भूपेंद्र यादव और गोवा में देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी गई है। बीते दिन शिखर और आयशा के तलाक की खबर आने के साथ ही आयशा ने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया है। आयशा जब तक शिखर धवन के साथ उनकी पत्नी के रूप में थी, तब तक वो इंस्टाग्राम पर आयशा धवन के नाम से एक्टिव थी, लेकिन अब अलग होने के बाद उन्होंने इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है। धवन के साथ शादी के बाद से ही आयशा मुखर्जी आयशा धवन के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चला रही थी, जिस पर वो हमेशा एक्टिव रहती थी। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और द हिंड्रेन में अपनी कमेंट्री से सबका दिल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापस लौट आए हैं। इस बार दिनेश कार्तिक आपको एक कमेंटेटर के तौर पर नहीं, बल्कि खुद बतौर खिलाड़ी के रूप में खेलते दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी और यह एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस याचिका में महिला उम्मीदवारों को NDA और नौसेना एकेडमी परीक्षा में बैठने और NDA प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। लगातार बढ़ोतरी होने के बाद ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बुधवार यानी 8 सितंबर 2021 को गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट 2.1 trillion डॉलर तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में इसमें 10.7% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं टोटल क्रिप्टो वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में 240.16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
फिल्म एक्टर विद्युत जामवाल और सिद्धार्थ शुक्ला अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी लगभग एक साथ की थी। विद्युत अपने दोस्त सिद्धार्थ को खास तरह से अब श्रद्धांजलि देने वाले हैं। विद्युत जामवाल इसके लिए खास तौर पर अपने फैंस के साथ लाइव आएंगे और सिद्धार्थ के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं और 11वीं की परीक्षा एक प्रश्न पत्र से पूरे देश भर में ली जाएगी। बोर्ड द्वारा ही 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को दे दी गई है। सभी स्कूल से 9वीं और 11वीं में विद्यार्थियों की संख्या मांगी गई है। छात्रों की संख्या के अनुसार ही प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा भेजा जाएगा। अभी तक 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा स्कूल द्वारा ली जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को संबोधित करने अमेरिका जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में भारत द्वारा की गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का जिक्र करेंगे। अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, अफगानिस्तान पर उठाए गए अहम कदम, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर और तमाम दूसरे अहम कदमों और कोशिशों का उल्लेख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के खिलाफ घर घर जाकर टीकाकरण के आदेश देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि देश में टीकाकरण की प्रक्रिया ठीक चल रही है, ऐसे में ये आदेश जारी नहीं किए जा सकते। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हेमा कोहली की बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर किसान अभी भी डटे हुए हैं। बीती पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताने के बाद अब किसानों ने धरना प्रदर्शन के लिए आगे की रणनीति बना ली है। इस बीच किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने पूरी रात आराम से बिताई और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम यही रात गुजारेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि भारत ने मंगलवार तक केवल 13 दिनों में दी गई 10 करोड़ खुराक सहित 70 करोड़ वैक्सीन की डोज देने के आंकड़े को पार कर लिया है। मंडाविया ने ट्विटर पर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण उच्च स्तर पर अब तक 70 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते बारिश का यही हाल रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज बिजली गिरने के साथ साथ भारी बारिश की संभावना है। एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। नीट यूजी 2021 12 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इस बार कोरोना वायरस की वजह से परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एजेंसी द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड पर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 400 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं और इन स्टेशन को निजी भागीदारी से विकसित करने, उन्हें निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने इस साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल हासिल किए। कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिन्होंने मेडल तो नहीं जीते लेकिन प्रदर्शन से फैंस का दिल जरूर जीता है। जब से यह खिलाड़ी भारत लौटे हैं उन पर इनामों की बरसात हो रही है। कई राज्य सरकार और कंपनियां खिलाड़ियों के लिए इनामों की घोषणा कर चुकी है। भारत सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि 18 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के जरिए अब 49 शहरों में इंटरनेशनल फ्लाइट जा सकेंगी। एयर बबल सुविधा के जरिए दो देश कुछ खास प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने सम्मेलन को संबोधित किया और अपनी पार्टी की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को सम्मान और सरकार में सहभागी बनाने का भरोसा दिलाया है। सम्मेलन की सबसे खास बात तो ये रही कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब मायावती किसी सार्वजनिक मंच पर दिखी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर बेटे चिराग पासवान ने 12 सितंबर को बरसी के कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है। इसके लिए छपवाए गए कार्ड पर चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज का भी नाम शामिल किया गया है। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। वहीं इस बार पीएम मोदी अयोध्या में दिवाली मना सकते हैं। बाजार नियामक सेबी ने बड़ा ऐलान किया है। सेबी ने T+1 यानी कि ट्रेड प्लस वन दिन सेटलमेंट साइकिल पेश किया है। इसके तहत अब शेयरों में होने वाले कारोबार को एक दिन में ही सेटल कर दिया जाएगा। हालांकि यह सेटलमेंट प्लान वैकल्पिक है, अगर ट्रेडर्स चाहे तो इसे चुन सकते हैं। नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमेश यादव, भूषण पासवान,
आश्रिक SK24, दीपूराज, टंटुन यादव, MK यादव, पूजा कुमारी, प्रकाश कुमार गुप्ता, रिया वर्मा, राधे श्याम यादव, DJ आयुष, अमरेश आर्या, संजय कुमार, संतोष कुमार, निर्मल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार डोर टू डोर वैक्सीनेशन होना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।